तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक और न्यू गेम प्ले में। और आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं लास्ट रूल सर्वाइवल। तो गाइस, आज का वीडियो खास होने वाला है लास्ट रूल सर्वाइवल फुल गाइड के ऊपर। मतलब कि लास्ट रूल्स हम लोग कैसे खेले, इसी पे आज का वीडियो आधारित है। मैं आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो को मैं चैप्टर के हिसाब से बनाने वाला हूं। इसमें आपको मैं पूरी गाइड दूंगा लास्ट रूल्स की, कि हम लोग कैसे इसको खेले, क्योंकि काफ़ी जो न्यू प्लेयर है वो इस गेम को बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं। तो गाइस, इस गेम से जुड़ी हुई सारी गाइड, सारी बातें मैं एक वीडियो में तो बता नहीं सकता हूं। तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि पहले एक चैप्टर आएगा, फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर आएगा, और अगर फिर जरूरत पड़ी, अगर कुछ बातें बच गई, तो फिर मैं चैप्टर 3 इसका बनाऊंगा। ओके, तो मैं एक बात बता दूं, आज से लगभग 1.5 साल या 2 साल पहले मैंने एक गाइडलाइन के ऊपर वीडियो बनाया था कि लास्ट रूल्स हम लोग कैसे खेले, मतलब लास्ट रूल्स संपूर्ण गाइड, ये एक वीडियो मैंने बनाया था। उस टाइम पे ये वीडियो ज़्यादा कुछ चला नहीं था गाइस, फ्लॉप हो गया था, लेकिन मुझे पता था कि मैंने वीडियो बनाया है तो वो जरूर आने वाले टाइम में चलेगा, क्योंकि मैंने न्यू प्लेयर के लिए वो वीडियो बनाया था। आज उस वीडियो को 10,000 लोगों ने देख लिया है। तो जो वीडियो मैंने आज से 2 साल पहले बनाया था, उसमें तो मैंने बहुत कम गाइडलाइन की जानकारी दी थी। बस लास्ट रूल्स कैसे खेले, उसमें बेस वेस कैसे बनाए, फर्नस कैसे लगाए, बस इतनी सी जानकारी थी। लेकिन अब जो मैं वीडियो बनाया हूँ, इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, और मैं हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ के बारे में, इस गेम के बारे में सब कुछ बताऊँगा। तो इसलिए इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है गाइस, लगभग 24 घंटे खराब हुए हैं, जबकि ये वीडियो आपके सामने 20 मिनट का आया है। तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो गाइस, अब वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको ऑयल रिफाइनर चाहिए तो आपको कहीं पर नहीं जाना है, आपको जाना है बायो रिसर्च लैब पर। मैं बता दूं आप सभी को कि बायो रिसर्च लैब पर आप खुद की अपनी ऑयल रिफाइनर पा सकते हैं। चलिए, तो हम लोग आ चुके हैं बायो रिसर्च लैब पर। यहाँ पे आने के बाद में आप सभी को इजी म्यूटेंट नाम का एक ये मिलेगा यार मॉन्स्टर, इसको आपको किल करना है। मैं आपको बता दूं, अगर आप न्यू प्लेयर हैं तो आप यहाँ पे गन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराने जो प्लेयर है वो यहाँ पे नाइफ या फिर मचेट या फिर वुड क्लब का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन गाइस, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप नए प्लेयर हैं और आपको ऑयल रिफाइनर चाहिए और इजी म्यूटेंट को आप लोग किल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे AR गन का इस्तेमाल आप लोग करना, तो थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए। ओके, तो अभी ये किल हो जाए, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि इससे ऑयल रिफाइनर आपको 100% मिल जाएगी। हालांकि आपको यहाँ पे एनिमी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिशियल सर्वर जो होते हैं उनमें एनिमी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो चलो, ये देख लो आप लोग गाइस कि मुझे ऑयल रिफाइनर मिल चुकी है। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग ऑयल रिफाइनर पा सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको ग्रीन कार्ड कहाँ पे मिलेगा, और साथ में वायर भी। तो आप लोग किसी भी गैराज पे चले जाइए, या फिर गैस स्टेशन पर, या फिर सुपरमार्केट, वहाँ पे आपको वायर भी मिल जाएगा रूम ओपन करने के लिए, मतलब जनरेटर ऑन करने के लिए, और ग्रीन कार्ड भी मिल जाएगा। तो ये देखिए गाइस, मैं जहाँ जहाँ पे मार्क लगा रहा हूँ, जैसे कि ये है गैराज, तो यहाँ पे आपको ग्रीन कार्ड 100% मिल जाएगा। ओके, अगर किसी भी एनिमी ने वो ग्रीन कार्ड नहीं उठाया होगा तो ओके, क्योंकि थोड़ी देर में कार्ड स्पॉन होता है। अब देख लो, इतनी जगह पर आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है, यहाँ पे सुपरमार्केट है बीच में, तो हर जगह का मैंने आपको बता दिया है। अब एक बार मैं आपको सैंपल के तौर पर यहाँ पे गैराज पे आके और दिखा देता हूँ कि ग्रीन कार्ड पड़ा कहाँ पे रहता है। ओके, चलो, तो मैं आ चुका हूँ गैराज के ऊपर, और गैराज पे आने के बाद में गाइस, अब मैं आपको ग्रीन कार्ड लेकर दिखाने वाला हूँ। मैं सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो न्यू प्लेयर है वो बिल्कुल आराम से मेरी बात को समझ पाए। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक टूल बॉक्स मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर भी रहेंगे, मतलब कि ज़ॉम्बी, उनसे आपको बचना होगा। चलो तो गाइस, अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे ऊपर। यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत लूट भी मिलेगी जो आप ले सकते हैं, जैसे कि ये सप्लाई चेस्ट, और इस जगह आपको मिल जाएगा ग्रीन कार्ड। साथ ही साथ गाइस, अगर आप लोग गैराज या गैस स्टेशन पर जाते हैं तो आपका एक फायदा और होने वाला है, और वो है फ्यूल का। फ्यूल आपको यहाँ पे आसानी से मिल सकता है। चलिए तो दोस्तों, गैराज से हमें टूल बॉक्स से मिल गया था वायर, और ग्रीन कार्ड भी हमें वहाँ पे पड़ा हुआ मिल गया था। अब आप लोगों के मन में ये बात आती होगी कि सबसे पहले हम लोग रूम करना स्टार्ट कहाँ से करें। तो देखो, अगर आप लोग न्यू प्लेयर हो तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले रिसर्च सेंटर पर जाइए।
वैसे बाकी और जगह भी आपको ग्रीन रूम मिल जाएगा, लेकिन रिसर्च सेंटर ज़्यादा सही रहता है। अगर पूरे मैप की बात की जाए तो गाइस मैं बता दूं आप सभी को, बायो रिसर्च लैब में सामने वाला जो रूम रहता है वो अधिकतर ग्रीन ही मिलता है। रिसर्च सेंटर पे जो रूम रहता है वो भी हमेशा ग्रीन रहता है, और अबंडोनेट फैक्ट्री पर जो रूम रहता है वो भी हमेशा ग्रीन रहता है। बाकी और जगह रूम में बदलाव होता रहता है। अब जैसा कि मैं आ चुका हूँ रिसर्च सेंटर पर, तो यहाँ पे मैं एक जानकारी आपको और देने वाला हूँ। कई लोगों का ये सवाल होता है कि लेवल 2 का मास्क कहाँ पे मिलता है, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको यहाँ पे साथ ही साथ देता जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको इस वाली बिल्डिंग के ऊपर आना है, ऊपर आने के बाद में आपको यहाँ पे मिल जाएगा लेवल 2 का मास्क। तो गाइस लेवल 2 का मास्क आपको मिल चुका है रिसर्च सेंटर पर। ओके, तो अब मैं आपको बता देता हूँ गाइस कि ग्रीन रूम कैसे होगा। तो यहाँ पे आपको इस वाली बिल्डिंग के ऊपर आना है, यहाँ पे आने के बाद में आपको जनरेटर में वायर डालना है जो कि हमें गैराज से मिला था। अब ग्रीन कार्ड आपको यहाँ पे लगा देना है, और उसके बाद में आप लोग एंटर हो चुके हैं ग्रीन रूम में। ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स आपने देखा जो मैंने तोड़ा, इसमें आपको रेड डॉट ऊजी फार्मस मिल जाती है और SMG भी। बाकी आप लोगों ने देखा कि ग्रीन रूम में मुझे ब्लू कार्ड मिल चुका है, तो ये हमारे आगे बढ़ने का जरिया होगा। ओके, तो चलो यहाँ पे ऐसे मैंने सारे लूट उठा लिए, जितने भी यहाँ पे आपको बॉक्स पड़े हुए दिखाई दिए उन्हें तोड़ना है, और उनमें से जो भी लूट आपको मिले वो आपको उठा के और ले जानी है अपने बेस पर। गाइस रिसर्च सेंटर का मैंने ग्रीन रूम आपको करके दिखा दिया है, अब आ जाते हैं बायो पर। बायो पर आपको यहाँ पे आने के बाद में इधर की साइड में आना है, यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत लूट मिल जाएगी, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, यहाँ पे मॉन्स्टर भी रहते हैं तो आपको अपनी सेफ्टी का जुगाड़ भी रखना होगा। यहाँ पे आपको जनरेटर मिल जाएगा, जनरेटर में आपको वायर डालना है, और उसके बाद में यहाँ पे स्विच रहेगा, यहाँ से आपको आगे बढ़ते जाना है। मैंने बीच में कोई कट नहीं लगाया है गाइस वीडियो में, ताकि आप लोग रास्ता समझ पाओ, क्योंकि रास्ते की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है नए प्लेयर के लिए। यहाँ पे हमें ब्लू कार्ड भी मिल चुका है गाइस, और साथ ही साथ यहाँ पे लूट हमें मिलती जा रही है। चलो तो गाइस अभी यहाँ पे और भी लूट मिलना बाकी है, तो यहाँ से आपको इधर की साइड में आना है, और यहाँ पे आगे बढ़ के आप लोगों को ये ग्रीन वाला बॉक्स भी मिल जाएगा जो कि ग्रीन रूम में ही मिलता है। चलो तो गाइस यहाँ पे मैंने आप सभी को दिखा दिया है कि बायो में भी अधिकतर ये ग्रीन रूम ही रहता है सामने वाला। अब हम लोग चलने वाले हैं अबंडोनेट फैक्ट्री पर। यहाँ से मैं एक बार आपको बाहर निकलने का भी रास्ता बता देता हूँ, जिस रास्ते से हम लोग आए थे उसी रास्ते से बाहर हमें जाना होगा। चलो तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ अबंडोनेट फैक्ट्री पर, और यहाँ पे पहले मैं ये दिखाने वाला हूँ आपको कि आपको लेवल 2 का मास्क कहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इधर की साइड में आना है, सब कुछ बिल्कुल सेम टू सेम रिसर्च सेंटर जैसा ही है गाइस, कोई बदलाव नहीं है, बस ये कि थोड़ा सा ये जो जगह का फर्क आपको दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ से मैं ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पे आपको एक टूल बॉक्स दिखाई देगा, इसको आपको तोड़ना है, और इसमें भी वही लेवल 2 का मास्क आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे गाइस आपको एक मॉन्स्टर भी मिलेगा, ऐसा ही मॉन्स्टर आपको रिसर्च सेंटर पर भी मिलता है, तो इसको आपको किल कर देना है, नहीं तो ये आपको किल कर देगा। ओके, इसकी हेल्थ थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए किल करने में थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है। चलो तो गाइस आप लोग इस मॉन्स्टर से बचते हुए भी लेवल 2 का मास्क ले सकते हैं, लेकिन वो तब होगा जब आप बढ़िया खिलाड़ी बन जाएंगे। तो ये रहा ग्रीन रूम गाइस, तो अभी मैं आ चुका हूँ ग्रीन रूम करने के लिए। तो यहाँ पे आपको ग्रीन रूम के सामने ही जनरेटर मिल जाएगा, जैसा कि आपने और जगह देखा कि जनरेटर रूम के सामने ही रहता है। तो इस तरह से गाइस जो ये गाइडलाइन में मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, इससे आप लोग एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। अब देखो गाइस जितने भी ग्रीन रूम होते हैं ये मतलब हर सर्वर में होते हैं, और साथ ही साथ मैं बता दूँ अगर किसी रूम में आपको ब्लू कार्ड नहीं मिलता है तो उसका साफ साफ एक ही मतलब है कि कोई और प्लेयर ये रूम करके थोड़ी देर पहले गया है, इसीलिए आपको लूट और कार्ड नहीं मिला है। ओके, तो गाइस अभी आपके पास में ब्लू कार्ड आ चुका है, तो अब नंबर लेना है हमें ब्लू रूम का। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले अगर आपको ब्लू रूम करना है तो आप बॉम्ब शेल्टर में जाइए, और वो भी नीचे वाले में, ठीक है। ये वाला बॉम्ब शेल्टर जो है जो आप देख रहे हैं मैप में, इस पे अगर आप जाओगे तो थोड़ी सी आसानी रहेगी रूम करने में, और अधिकतर यहाँ पे आपको ब्लू रूम ही मिलेगा। तो चलो गाइस यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पे आपको एक स्प्रिंट मॉड्यूल भी दिखेगा,
तो इस स्क्रीन मॉन्स्टर को किल करने का तरीका यही है कि इस पे फायर करो और छुप जाओ, मतलब इसके गोलों से आपको बचना होगा, नहीं तो आप नॉक हो जाओगे। दोस्तों मैं एक बात और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप बॉम्ब शेल्टर पर रूम करने आते हैं तो अपना स्लीपिंग बैग बाहर ही कहीं पर लगा लें आसपास, क्योंकि आपका जो नॉक होने का खतरा है वो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और आपके पास में इस जगह रूम करने के लिए आर्मर होना जरूरी है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बॉन की आर्मर हो लेकिन फिर भी आर्मर का होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे रहता है एक मॉन्स्टर फैटी, तो फैटी से आप नॉक हो जाओगे अगर आपके पास में आर्मर नहीं रहेगी। तो यहाँ पे गाइस आपको मैं बता दूँ, बॉम्ब शेल्टर में एक फ्री वाला बॉक्स भी मिल जाएगा जिसमें आपको रेड डॉट, SMG, यूजी, थॉमस ये सब कुछ मिल सकती है, ये किस्मत की बात है। गाइस एक छुपी हुई बात ये भी है कि बॉम्ब शेल्टर में आपको लेवल 2 का मास्क मिल जाता है। ओके, तो यहाँ से भी आप लेवल 2 का मास्क ले सकते हैं। वैसे यहाँ पे बॉम्ब शेल्टर में आपको काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर देखने को मिलेंगे, मतलब कि ज़ॉम्बी, तो इसीलिए आप लोग बैंडेज का भी अपने पास में जुगाड़ रखना। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे से घूम के इधर की साइड। अब यहाँ पे से अगर हम लोग नीचे की साइड में जाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 80, और ये देखो ये यहाँ पे आने के बाद में ब्लास्ट हो जाता है और इसीलिए हम लोग नॉक हो जाते हैं अगर अपने पास में आर्मर नहीं रहती तो। इतनी जानकारी मैंने दे दी आपको बॉम्ब शेल्टर से जुड़ी हुई। साथ ही साथ अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि बॉम्ब शेल्टर में यहाँ पे सामने की साइड में एक जनरेटर लगा होता है, जनरेटर में वायर डाली है और यहाँ से हमें मिलेगा पर्पल कार्ड जो कि मेन कार्ड होता है। चलो तो यहाँ पे मैं सारे लूट आपको लेकर दिखा देता हूँ। ब्लू रूम में कुछ इस तरह की लूट आपको मिल जाएगी, जैसे कि जनरेटर हो गया और साथ ही साथ वायर, मचेट, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। कभी कभी AR गन भी यहाँ पे मिल जाती है, नहीं तो अधिकतर यहाँ पे फार्मस UG और SMG, रेड डॉट ये सब कुछ मिलता है जो एमओ चेस्ट यहाँ पे ब्लू रूम में रहता है। तो गाइस अभी मैं बॉम्ब शेल्टर से बाहर आ चुका हूँ। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अभी गेम में नया नया एक स्मोक बॉम्ब आया है, इसको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। हालांकि ये कुछ ज़्यादा काम का तो नहीं है, बस यही है कि आप थोड़ी देर अपने आप को छुपा सकते हैं एनिमी से। ये देखिए ये कुछ इस तरह से वर्क करता है और कुछ देर बाद में इसका पावर ख़त्म हो जाता है। ये लीजिए गाइस, तो इसका पावर ख़त्म हो चुका है। ओके तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ सीधा बॉम्ब शेल्टर पर, वो है बर्फ वाला। तो बर्फ़ वाले बॉम्ब शेल्टर में भी सब कुछ सेम रहता है, कोई रास्तों का बदलाव नहीं है, जैसा बॉम्ब शेल्टर वो था वैसा ही ये मिलेगा आपको। यहाँ पे भी मॉन्स्टर है, फैटी है और साथ ही साथ यहाँ पे भी आपको लेवल 2 का मास्क मिल जाएगा। यहाँ पे गाइस रूम में बदलाव होता रहता है, कभी यहाँ का रूम पर्पल हो जाता है, कभी ब्लू हो जाता है, कई बार यहाँ पे ग्रीन रूम भी देखने को मिल जाता है। अभी मैं जिस सर्वर में आपको ये सैंपल के तौर पर रूम बता रहा हूँ तो अभी यहाँ पे ब्लू है, तो इसीलिए मैं आ गया हूँ आपको दिखाने के लिए। अब देख लीजिए आप कि मेरे पीछे पीछे काफ़ी सारे ज़ॉम्बी भी साथ साथ आ गए हैं। वैसे मेरी हेल्थ कम नहीं हो रही है क्योंकि मैं मतलब नो हिट लगा रखा हूँ, लेकिन आप जब आएंगे तो आप बैंडेज का जुगाड़ रखना और आर्मर अपने पास में रखना, क्योंकि क्या है कि बचने का चांस बहुत कम रहेगा। वही बात है कि मतलब यहाँ पे भी आप लोग अपना स्लीपिंग बैग लगा लेना बाहर, तो थोड़ा बहुत सही रहेगा। अब हम लोग चलने वाले हैं क्रूड ऑयल बेस। क्रूड ऑयल बेस पे आपको दो तरह का फ़ायदा होगा गाइस, एक तो यहाँ पे हमें फ्यूल भर भर के मिल जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे हमें लेवल 2 का मास्क वो भी मिल जाएगा। चलो इस जगह हमें मिल जाता है लेवल 2 का मास्क। तो गाइस जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हम ग्रीन रूम कैसे करते हैं और ब्लू रूम कैसे करते हैं, अब मैं एक बात और बता देता हूँ आप सभी को कि मिलिट्री बेस में भी हमें ब्लू रूम मिल जाता है, लेकिन यही है कि वो रूम बदलते रहते हैं, आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पे एयरपोर्ट है, हार्बर है, यहाँ पे आपको पर्पल रूम मिलेगा। ओके, साथ ही साथ और रूम भी मिल सकता है जैसे कि ब्लू। एयर रिसर्च लैब पर भी अगर आपको रूम करना है तो पीछे वाला रूम अधिकतर या तो ब्लू रहता है या फिर पर्पल रहता है, लेकिन ये सारे रूम बदलते रहते हैं गाइस। ओके, बैंडिट कैंप पर भी आपको ज़्यादातर पर्पल रूम मिल जाएगा। और रही बात मिलिट्री बेस की, जैसे कि मैंने पहले ही बताया यहाँ पे 3 रूम रहते हैं गाइस, और कभी ऐसा हो जाता है कि 2 ब्लू 1 पर्पल, कभी ऐसा हो जाता है कि 2 ग्रीन 1 ब्लू, और कभी ऐसा भी हो जाता है कि 1 ग्रीन और 2 पर्पल। ओके, तो ये सब सर्वर की बात होती है, टाइमिंग की बात होती है, लेकिन जिस लोकेशन पर आपको ये सब कुछ बिल्डिंग और नाम पर्पल कलर में दिखाई दे तो आप लोग समझ जाना कि उस जगह पर्पल रूम होने का चांस है, बाकी आप लोग उस लोकेशन पर पहुंचकर चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं आया हूँ हार्बर पे।
पहाड़ पर पे आप लोग देख सकते हैं, एक तरफ है ग्रीन रूम और दूसरी साइड है पर्पल रूम। चलो तो मैं अब आपको पर्पल रूम करके बता देता हूँ। पर्पल रूम में लूट क्या मिलती है वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पर्पल रूम गाइस इस गेम का मैक्स रूम होता है और इसमें सबसे बढ़िया लूट मिलती है। तो गाइस ये वाला जो रूम होता है पर्पल रूम, इसमें आपको हर तरह की लूट मिलेगी। मतलब कि जो मेन लूट होती है इस गेम की, जैसे कि एआर गन, बॉम्ब, साथ ही साथ अच्छी आर्मर, ये सब कुछ इसी रूम में मिलती है। ओके, और जो एडवांस एमो चेस्ट होता है वो भी सिर्फ आपको यहाँ पे रूम की अगर बात की जाए तो पर्पल में ही मिलेगा। चलिए तो यहाँ पे सबसे खास लूट मिलती है गाइस, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि पर्पल रूम में आपको लूट ऑफिशियल सर्वर में बहुत कमी से मिलेगी। तो गाइस इतनी जानकारी मैंने आपको दे दी है, मतलब कि अब आप रूम करना समझ गए होंगे कि रूम किस तरह से करना है और कार्ड कैसे लेना है। ओके, तो अब बात करते हैं, काफ़ी लोगों को रेसिपी के बारे में पता नहीं चलता और उनके समझ में ये नहीं आता कि भाई रेसिपी का क्या चक्कर है, रेसिपी कैसे निकालें। काफ़ी लोगों ने ये मुझे कमेंट किया है तो इसलिए आज मैं वो सब कुछ सिखाने वाला हूँ आपको। गाइस यहाँ पे सबसे पहले एक लोअर बेंच चाहिए, इसको आपको स्पेयर से अपग्रेड करना है। रेसिपी का सारा काम स्पेयर से ही होता है। तो गाइस एक बात मैं और बता दूँ, रेसिपी के लिए आपको लो वर्क बेंच और साथ ही साथ ड्राफ्टिंग टेबल की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, आगे क्या प्रोसेस है वो मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल अभी आप लोग ये देख लो कि जो अपनी लो वर्क बेंच है इसको मैंने मेड वर्क बेंच बनने को लगा दिया है। ओके, अब जब ये मेड वर्क बेंच बन के तैयार हो जाएगी, ये देखिए ये बन के तैयार हो चुकी है। अब देखिए गाइस मैं आप सभी को एक बात और बता दूं, अगर आपके पास में लो वर्क बेंच है तो आप काफ़ी कम आइटम क्राफ्ट कर सकते हैं। ओके, अगर मेड वर्क बेंच है तो कुछ आइटम और ज़्यादा आप क्राफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर एड वर्क बेंच है आपके पास में तो आप सब कुछ क्राफ्ट कर सकते हैं जिस चीज़ की आपके पास में रेसिपी है। तो गाइस इस एडवर्क बेंच को बनने के लिए जो स्पेयर काम आते हैं वो स्पेयर कुछ इस तरह के होते हैं। ये स्पेयर आपको ड्रम से भी मिल जाएंगे, जो रोड पे ड्रम होते हैं उन्हें तोड़िएगा, उनसे ड्रम से स्पेयर मिलेंगे। साथ ही साथ रूम से भी स्पेयर मिल सकते हैं और भी काफ़ी तरीके होते हैं स्पेयर पाने के। जैसे कि आपको जो भी कंपोनेंट्स मिले उनको आप डिसमेंटलर मशीन में डालिए और आपको स्पेयर मिल जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये लो वर्क बेंच से मेड वर्क बेंच बन चुकी है, मैंने स्पेयर से इसको अपग्रेड किया है, अब ये एड वर्क बेंच बन जाएगी। ओके, तो थोड़ी देर हमें रुकना पड़ेगा, कुछ सेकंड का ये मतलब टाइम लेती है, उसके बाद में एड वर्क बेंच बन जाती है। अब दोस्तों लो वर्क बेंच से अगर हम लोग मेड वर्क बेंच बनाते हैं तो 300 स्पेयर लगते हैं अपग्रेड करने के, लेकिन अगर एड वर्क बेंच बना रहे हो तो 1000 स्पेयर लगेंगे, चाहे आप कौन सा भी सर्वर खेलो। तो ये देखिए एडीवी वर्क बेंच बनके तैयार हो चुकी है और अब हम लोग कुछ भी क्राफ्ट करते हैं तो वो हमें इस एडवर्क बेंच के पास में ही क्राफ्ट करना है। अगर और जगह आप क्राफ्ट करोगे तो कुछ भी क्राफ्ट नहीं होगा। कुछ भाई लोग ये भी बोलते हैं कमेंट में कि भाई कुछ भी क्राफ्ट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? तो उसकी वजह यही है कि आप लोग एडवर्क बेंच के पास में नहीं जाते हैं कुछ भी क्राफ्ट करने के लिए। अब गाइस मैं बता देता हूँ रेसिपी का क्या चक्कर है। तो मैंने कुछ आइटम चुने हैं, जैसे कि आर्मर का एक पार्ट ले लिया है मैंने, साथ ही साथ मैं बता दूँ आप सभी को, एक मैं आपको बॉम्ब की भी रेसिपी निकाल के बताऊँगा और उसको बना के बताऊँगा, और साथ ही साथ एआर गन भी मैं आपको बना के दिखाऊँगा और उसकी रेसिपी निकाल के दिखाऊँगा। तो गाइस देखिए मतलब रेसिपी निकलने का सिस्टम ऐसा है कि कुछ भी चीज़ की अगर आपको रेसिपी निकालनी है तो उसको यहाँ पे आपको डालना है, साथ ही साथ स्पेयर आपके बैग में होने चाहिए, तब जाके रेसिपी निकल के तैयार आपको मिल जाएगी। ये एक तरीका होता है कि कोई भी चीज़ का हमें जैसे कि कोई फार्मूला मिल जाता है वैसे के वैसे ये सिस्टम है। ओके, तो जो भी कुछ आपको बनाना है उसकी आपको रेसिपी निकालना ज़रूरी है, मतलब कि कोई गन हुई या फिर कोई बॉम्ब हुआ, कोई आर्मर हुई, इनकी रेसिपी की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी गन पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ती है रेसिपी निकालने की, वो सीधा डायरेक्ट बन जाता है। तो लो गाइस अभी मैंने एआर गन की भी रेसिपी निकाल ली है, इन सभी में मतलब स्पेयर काम में आए हैं। ओके, अब मैं आपको एक रेड डॉट की भी रेसिपी निकाल के दिखा देता हूँ। तो रेड डॉट की रेसिपी निकलने को मैंने लगा दी है, इसमें भी स्पेयर आए हैं काम में, आप लोग देख सकते हैं, सब कुछ आपके सामने कर रहा हूँ मैं जो कर रहा हूँ, और बस अब इस रेसिपी को हमें यूज कर लेना है ताकि इसका फार्मूला हमें मिल जाए बनाने का। दोस्तों सिर्फ रेसिपी निकालने से काम नहीं चलेगा, उसको यूज भी करना है आपको रेसिपी को। ओके, तब जाके बात बनेगी। तो गाइस अब सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि हम लोग बॉम्ब कैसे बनाते हैं, मतलब C4 हेडमेड या फिर सिंपल ऑयल बॉम्ब। तो आपको एडवर्क बेंच के पास में आना है, यहाँ पे हम पहले ये देखते हैं कि मतलब अपने पास में चारकोल और सल्फर पाउडर होना चाहिए। ओके, तो चारकोल और सल्फर पाउडर मिलके और बनता है गन पाउडर। ओके,
तो मैं एक बात बता दूं आप सभी को, सल्फर आप लोग फार्मिंग करके फर्नेस में लगाएंगे तो सल्फर पाउडर मिलेगा, और वुड को अगर आप लोग मेल्ट करोगे फर्नेस में तो चारकोल मिल जाएगा। तो ये देखिए, गन पाउडर हमारे पास में तैयार हो रहा है। गन पाउडर आपको एडवर्क बेंच के पास में ही तैयार करना है, और जगह तैयार नहीं होगा, मतलब क्राफ्ट नहीं होगा। अब गन पाउडर बनने के बाद में हमें एक्सप्लोसिव की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो एक्सप्लोसिव आपको काफ़ी तरीक़ों से मिल सकता है, जैसे कि ये आपको पर्पल रूम से भी मिल सकता है, साथ ही साथ आपको ये ड्रॉप से भी मिल सकता है, या आपको हेलीकॉप्टर फोड़ने पर भी मिल सकता है, टैंक से भी मिल सकता है, ये आपको ट्रेड जोन से भी मिल सकता है, वहाँ से आप लोग खरीद भी सकते हैं। और चाहो तो आप लोग एक बॉम्ब डिस कर लेना, मतलब डिसमेंटलर मशीन में, वहाँ से आपको एक्सप्लोसिव मिल जाएगा। फिर इसकी रेसिपी आपको निकालनी है ड्राफ्टिंग टेबल में, और फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे आना है। गन पाउडर हमने बना लिया, अब उस गन पाउडर से हम लोग बनाने वाले हैं एक्सप्लोसिव। कुछ इस तरह से एक्सप्लोसिव बनेगा गाइस। इसमें फ्यूल और आयरन बार भी हमें साथ में अपने बैग में रखना है। तो गाइस, इतनी प्रोसेस आप लोगों ने समझ ली है, और देखो अब C4 बनने को बिल्कुल तैयार है। C4 बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स चाहिए, और रोप चाहिए, और एक्सप्लोसिव चाहिए। एक्सप्लोसिव कैसे बना है वो मैंने आपको बता ही दिया है। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और रोप, ये आपको ड्रम तोड़ने से भी मिल जाएगा, स्प्रिट मॉस्टर से भी मिलेगा, और रूम से भी मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स क्या क्या से हमें मिल सकता है। ओके, और वैसे मैंने आपको जानकारी दे ही दी है। तो ये देखिए, C4 बन के तैयार हो चुका है। तो बस यही प्रोसेस होती है C4 या हेडमेड या फिर सिंपल ऑयल बॉम बनाने की। मैंने एक सैंपल के तौर पे आपको ये दिखाया है। अब रही बात आर्मर की, तो जैसे कि मैंने स्टील बूट की रेसिपी निकाली थी, तो स्टील बूट में स्टील काम आएगी, हाइड काम आएगी, और हाइड मिलेगी हमें एनिमल से। ओके, ये नीडल्स हमें मिलेगी ड्रम तोड़ने से और ग्रीन रूम से। साथ ही साथ ये जो प्लेट है, ये आपको ड्रम तोड़ने से, स्पिरिट मॉस्टर से, रूम से, सबसे मिल जाएगी। ओके, बस यही प्रोसेस होता है स्टील आर्मर का, और आयरन आर्मर का भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस है। अब मैं बताता हूँ आप सभी को कि AR गन हम लोग कैसे क्राफ्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने QBZ राइफल की रेसिपी निकाली थी, अब इसके लिए हमें चाहिए राइफल बैरल, जो कि हमें ड्रॉप से, हेलीकॉप्टर से, टैंक से और रूम से मिल जाता है। अगर इस स्प्रिंग की बात करें जो कि QBZ बनाने में लगेगी, तो ये स्प्रिंग हमें ड्रम से भी मिल जाती है, स्पिरिट मॉस्टर से भी मिल जाती है, और रूम से भी मिल जाती है। ओके, साथ ही साथ मेटल बैरल भी वही ड्रम से, रूम से और स्पिरिट मॉस्टर से। स्टील अभी तक बाकी है, तो स्टील का जुगाड़ आप लोग कर ही लोगे। वैसे मैं गाइडलाइन के वीडियो में स्टील की जानकारी आगे आपको दे दूंगा। यहाँ पे राइफल बैरल पे साफ साफ लिखा हुआ भी है गाइस, आप लोग देख सकते हैं। एवेंजर से भी ये मिलता है, इजी म्यूटेंट से पहले मिलता था, अब तो राइफल बैरल का भी मिलता नहीं है, मैंने तो देखा नहीं है। ठीक है, बाकी एयर ड्रॉप, हेलीकॉप्टर, टैंक, एवेंजर, इनसे तो मिल जाएगा, ये तो है। तो इस तरह से QBZ या फिर कोई भी गन हम लोग तैयार कर सकते हैं, क्राफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल ऑयल बॉम है, इसमें हमें आयरन और गन पाउडर चाहिए, सिंपल ऑयल बॉम बन जाएगा, बस रेसिपी होनी चाहिए। ये जो बजुका की शेल है, सिंपल शेल, ये इसके लिए हमें चाहिए एक्सप्लोसिव और मेटल बैरल। ओके, तो इस तरह से ये सिंपल रॉकेट शेल बन जाएगी। तो रेसिपी का सारा सिस्टम बिल्कुल ईजी है यार गाइस, बस समझ में आना चाहिए। ओके, अब मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने अभी कुछ चीज़ें आपको क्राफ्ट करके बताई है, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सारे आइटम मिलेंगे कैसे। जैसे कि हाइड, हाइड एक मतलब सवाल होता है कि यार हाइड कहाँ से मिलेगी। तो मैंने बताया था ना कि एनिमल्स को अगर आप लोग किल करोगे तो उनसे आपको हाइड मिल जाएगी। ये थोड़ी थोड़ी मिलती है, लेकिन गाइस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है 10-15 दिन हम लोग सर्वर खेलते हैं तो। और एक मैं बता दूँ, हाइड पाने का एक और सबसे बेस्ट तरीका है, ड्रम तोड़ो, उससे आपको एक लेदर मिलेगा, उस लेदर को अगर आप लोग डिसमेंटलर मशीन में डालोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हाइड मिल जाएगी। ओके, तो ये दो तरीके होते हैं हाइड पाने के। एक बात मैं और बता देता हूँ गाइस आप सभी को, अगर आप लोग सोचते हैं कि फ्यूल बस हमें क्रूड ऑयल बेस या गैराज या सुपरमार्केट या गैस स्टेशन पर ही मिल सकता है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको फ्यूल नहीं मिल रहा है कहीं पर भी, किसी भी ऑफिशियल सर्वर में या जहाँ पे आप खेल रहे हो, तो आप फ्यूल बना भी सकते हो। उसके लिए आपको एनिमल किल करना पड़ेगा और साथ ही साथ नेटल चाहिए होगी। इन दोनों को मिला के हम लोग फ्यूल बना सकते हैं, मैंने कई बार बनाया है। बस यार गाइस, बात एक ही है कि इससे आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ से हाइड आ चुकी है, एनिमल्स मैंने पहले ही किल किए थे, उनसे मुझे फैट मिल गया था, ये देखो ये नेटल, और फैट है ही मेरे पास में। तो बस अब मैं आपको फ्यूल बना के दिखा देता हूँ, ये देखो एनिमल फैट और नेटल, ये दोनों मिलके फ्यूल बनके तैयार हो जाएगा।
तो एनिमल को अगर आप लोग किल करते हैं तो उससे भी काफी ज्यादा फायदा अपना होता है। कई बार तो ऐसा मौका आ जाता है जब कहीं पर भी फ्यूल नहीं मिलता पूरे मैप में, तो इसी तरह से मैंने फ्यूल बनाया है कई सर्वर में, और साथ ही साथ हाइड भी जैसे कि मुझे एनिमल किल करने पर मिली है, हालांकि थोड़ी कम मिली है लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी अगर हम लोग करते हैं तो यही काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो बस यार गाइस, आज का गाइडलाइन का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज का ये वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और जिन भाई लोगों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यार सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को बनाने में यार लगभग 24 घंटे का टाइम लगा था, तो इसीलिए लाइक तो बनता है। तो हम मिलेंगे एक और न्यू गाइडलाइन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।